Good evening, dear friends, brothers and sisters. In the name of the Lord Jesus Christ, we greet you. और आज की शाम मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत और अभिवादन करता हूँ। This evening, we are going to listen to God's word as taught in the Bible. और आज की शाम हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे जैसा वचन पवित्र शास्त्र में हमें सिखाया गया है। We are learning from 1 Corinthians, a very important book for the church to learn. और हम पहली कुरिन्थियों की पत्री से अपने अध्ययन को जारी रखे हुए हैं, जो कि कलीसिया के सीखने और अध्ययन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पत्रियों में से एक है। Our present consideration is from chapter 6 of 1 Corinthians, verses 12 to 20. और अपने वर्तमान के अध्ययन में हम पहला कुरिन्थियों उसके छठे अध्याय 12वें वचन से लेकर 20वें वचन तक अपने अध्ययन को जारी रखे हुए हैं। दिस पैसेज, दिस पैराग्राफ डील्स विद सेक्सुअल इमोरल, और वचन का ये भाग बताता है वो शारीरिक रूप से पाप करना या अनैतिक यौन संबंध बनाना। And how to keep ourselves clean and holy before the Lord. और कैसे हम खुद को शुद्ध और पवित्र रख सकते हैं परमेश्वर के सम्मुख। These are good studies. और ये बहुत अच्छे अध्ययन हैं। Not only you must learn, but you can help others by teaching them yourself this passage. और ना केवल आपको सीखना है, लेकिन आप दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं इन वचन से सीखकर। And the last, in our last study, we closed by mentioning the fact that body is designed to be a member of Christ. और हमने अपने पिछले मनन में इस बात को अध्ययन करते हुए समाप्त किया कि देह को या शरीर को परमेश्वर ने बनाया है या ये देह परमेश्वर के लिए है। As it says in verse 15, जैसे कि 15वें वचन में लिखा हुआ है, Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make the members of a prostitute? Never. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। And verse 16 says, or do you not know that he who is joined to a prostitute becomes one body with her? For as it is written, the two will become one flesh. क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वह दोनों एक तन होंगे। Body is designed to be a member of Christ. और इसलिए याद रखिए, देह या शरीर को बनाया गया है परमेश्वर का एक अंग होने के लिए। Your body is a member of Jesus Christ himself. और याद रखिए, आपका शरीर एक भाग है प्रभु यीशु मसीह का खुद। Now what does that mean? और इसका मतलब क्या है? It means three things. इसका मतलब है तीन बातें। Number one, पहली बात, the believer's body belongs to Christ. Since Christ died for the believer, he owes his life and body to Christ. और एक विश्वासी का शरीर या देह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की है, क्योंकि प्रभु यीशु एक विश्वासी के लिए उस क्रूस पर चढ़ा और मर गया, इसलिए अब ये जीवन और ये देह उसी मसीह का है। And secondly, दूसरी बात, the believer is a participant of Christ's nature. एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में, स्वभाव में संगति करने वाले में से है। According to 1 Peter chapter 1 verse 23. जिस जो कि पहला पत्रुस पहला अध्याय और दूसरे वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं, 23वें वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं। 1 Peter chapter 1 verse 23. और पहला पत्रस पहला अध्याय 23वें वचन में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। And so we have experienced divine life, and today we are partakers of that divine life because of our born again experience. और इसलिए हमने उस स्वर्गीय जीवन का अनुभव किया है और अब हम इस स्वर्गीय जीवन में सहभागिता कर सकते हैं अपने नया जन्म पाने के उस अनुभव के द्वारा। We carry Christ's nature. हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को लेकर के चलते हैं। Some people do things wrong and then when they are caught
they defend themselves. और कुछ लोग गलत करते हैं और जब वो पकड़ लिए जाते हैं तो वो ना अपनी सुरक्षा करते हैं, अपना बीज बचाव करते हैं. By saying what? क्या कहते हुए? Oh, you know, I am not an angel. और वो कहते हैं, अरे मैं कोई स्वर्गदूत नहीं हूँ. I am not perfect. और मैं सिद्ध नहीं हूँ. These are all excuses. ये सब बहानेबाजी है. Everybody knows you are not an angel. हर कोई जानता है कि आप स्वर्गदूत नहीं हैं. But one thing that you don't understand. लेकिन एक ऐसी बात है जो आप नहीं समझते. You are more than an angel. कि आप एक स्वर्गदूत से भी बढ़ करके हैं. Angels are our ministering spirit. और याद रखिए, स्वर्गदूत तो हमारी सेवा करने वाली आत्माएं. But we who are born again are God's own precious children. लेकिन हम जो नया जन्म पाए हुए हैं, हम प्रभु परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं. And we carry the nature of Jesus Christ. और हम प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को अपने संग लेकर के चलते हैं. And that is the life we must live. और ऐसा ही जीवन हमें जीना है. Christ lives in us. प्रभु यीशु हमारे भीतर जीता है. And by the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, we live out Christ's life. और हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जीते हैं. And the third thing is, जो तीसरी बात है, all believers are united to Christ through conversion and baptism. और हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाता है मन बदलाव, मन परिवर्तन के द्वारा और उस बपतिस्मे के द्वारा. Now, what does that mean when we say we are united with Christ? और इसका क्या मतलब है जब हम प्रभु ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक हैं? You are united with His life. आप उसके जीवन के संग एक कर दिए गए हैं. And His life means, और उसका जीवन का मतलब It है is his nature. ये उसका व्यक्तित्व. So you are a participant of divine nature or the nature of Jesus Christ. और इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह के उस दैवीय या स्वर्गीय व्यक्तित्व में सहभागिता करते that हैं. That is the privilege. और यही वो सौभाग्य है. And that is our higher position. और यही हमारा एक उच्च स्थान है. So don't hide behind this excuse saying I am not an angel, I am not perfect, yes and that. We are traveling towards that perfect. और इसलिए इन बहानों के पीछे आप खुद को ना छिपाएं कि मैं स्वर्गदूत नहीं हूँ, मैं सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन हम सब उस सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं. Now that's where we stopped last study. और पिछले अध्ययन को हमने यहीं पर रोका था. Now let us continue. आइए हम आगे बढ़े. There are points to be considered. और कुछ ऐसी बातें हैं कि इस संदर्भ में जिन्हें हमें आगे बढ़ना है. First of all, पहली बात, body is not, listen very carefully, body is not designed to be the member of a prostitute. याद रखिए कि शरीर को या देह को इसलिए नहीं बनाया गया कि वो एक वैश्य का अंग ठहरे. Remember, you are special. आप याद रखिए, आप खास हैं. You are not like others. आप दूसरों के समान नहीं हैं. You are unlike others. आप दूसरों के जैसे नहीं हैं. Others of the world, it doesn't make any difference to them whether they have their wife. And also they can join themselves with a prostitute. क्योंकि दूसरों के लिए तो ये मायने ही नहीं रखता कि वो अपनी पत्नियों के साथ और साथ ही साथ वैश्याओं के संग भी सो जाते हैं. But not I or you. लेकिन आप और मैं ऐसा कभी नहीं करते. We are unlike others. हम तो दूसरों के समान नहीं हैं. And we definitely have a different nature, the nature of Christ living within us. और हमारे भीतर एक सच में एक अलग ही नेतृत्व या व्यक्तित्व जीता है और वो है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव या व्यक्तित्व. And you cannot be a member of an immoral partner called prostitute. और याद रखिए, आप कभी भी अपनी देह या शरीर को उस वैश्या के संग एक नहीं कर सकते. Which includes homosexuals also. जिसमें समलैंगिकता भी शामिल है. Remember, body is a member of Christ. याद रखिए, शरीर तो मसीह का एक अंग है. Hence we are to glorify God even with our bodies. और इसलिए हमें अपने शरीरों के द्वारा भी परमेश्वर को महिमा देना है. That is the importance of our body. और यही महत्व है हमारे शरीरों का. And others may teach you. और दूसरे आपको ये सिखा सकते हैं. The body is a sinful material. अरे ये शरीर तो एक पापमय बात है. And so we must punish the body. और इसलिए इस देह को, क्योंकि ये पापमय है, इसे दंड दिया जाना है. Get rid of this body. और इस शरीर से मुक्त होना है. No, Christianity never teaches this. लेकिन मसीहत या ईसाईयत इस बात को कभी नहीं सिखाती. Your body is temple of God. क्योंकि मसीहत या ईसाईयत में तो आपकी देह या शरीर परमेश्वर का एक मंदिर है. And thus
we are representatives of Christ on earth. और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का नेतृत्व करते हैं इस पृथ्वी के ऊपर. Because we are united not to a prostitute or a homosexual, we are united to Christ, the Holy Son of God. और इसलिए हम ना तो किसी समलैंगिक व्यक्ति से ना ही किसी वैश्या से एक अंग होते हैं, लेकिन हम तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से एक हो जाते हैं. The believer's union with Christ is stronger than any other relationship. और याद रखिए, विश्वासी की एक रिश्ता जो प्रभु यीशु के संग है वो किसी और दूसरे रिश्तों से कहीं ज्यादा मजबूत है. And so the next thing to notice, और इसलिए जो अगली बात जिस पर हमें ध्यान लगाना है, here Christ and a believer becomes one spirit. और यहाँ पर विश्वासी और प्रभु यीशु एक आत्मा हो जाते हैं. Just like a man and a wife becomes one flesh. उसी समान जिस प्रकार एक पति और पत्नी एक तन हो जाते हैं. The result of such union is that the believer receives the mind of Christ. और ऐसी एकता या ऐसा एक मिलने का परिणाम ये होता है कि एक विश्वासी के पास प्रभु यीशु मसीह का मन प्राप्त हो जाता है. First Corinthians, this is the same book, chapter 2, verse 16. और पहला कुरिन्थियों और दूसरा अध्याय 16वें वचन में हम इस बात को पढ़ सकते हैं. What does it say? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है. For who has understood the mind of the Lord so as to instruct him, but we have the mind of Christ. Hallelujah. Listen, we have the nature of Christ. और हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का वो व्यक्तित्व मौजूद है. Then this verse says we also possess the mind of Christ. और ये वचन बताता है कि हमारे पास मसीह का मन भी मौजूद है. So what is the conclusion? और इसलिए इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? The conclusion is a very imperative. Flee from sexual immorality. और इसलिए का निष्कर्ष बड़े स्पष्ट रूप से यही है कि व्यभिचार से, अनैतिकता से भागो. बॉडी बट द सेक्चुअली इमोरल पर्सन सिंस अगेंस्ट हिज ओन बॉडी. जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है. House, you understand the importance of your body as a born again Christian? क्या आप अपनी देह के महत्व को समझ पा रहे हैं एक विश्वासी होते हुए, एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति होते हुए? Some people think. लेकिन कुछ लोगों को लगता है. Oh, God is not concerned about my body. अरे परमेश्वर को मेरी देह की कोई चिंता नहीं. What I wear, how I wear, and all this. मैं क्या पहनता हूँ, कैसे पहनता हूँ? God is only concerned about my inside. परमेश्वर तो सिर्फ मेरे मन को जांचता है. My heart. मेरे हृदय को. My heart is clean. और मेरा हृदय साफ है. You are wrong. आप गलत हैं. If your heart is clean, और अगर आपका हृदय शुद्ध है, that cleanness of your heart will reflect in your outward appearance as well. तब आपकी हृदय की शुद्धता आपके बाहरी रूप और रेखा से भी दिखाई देगी. Therefore, flee from immorality. और इसलिए व्यभिचार से बचे रहें. Don't stand anywhere close by. और कहीं भी उसके बगल में या नजदीक भी ना आप पाए जाएं. And our young people and children must be very careful about the use of the cell phone. और इसलिए हमारे बच्चे और जवानों को खास रीति से बहुत ध्यान पूर्वक इस मोबाइल फोन के उपयोग के प्रति ध्यान देना है. There are all kinds of evil pictures and photographs all can be very visible in this. और हर प्रकार की बुरे वीडियो, पिक्चरें, दृश्य और हर प्रकार की गलत बातें आप उस मोबाइल फोन में उपलब्ध हैं. And human nature is such that there is a natural attraction towards all these. और मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि एक प्राकृतिक रूप से वो पाप की ओर या ऐसी बातों की ओर खींचा चला जाता है. But always understand. लेकिन हमेशा इस बात को समझें. The body is designed to be the temple of the Holy Spirit. और शरीर को बनाया गया है या रचा गया है पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में. Verse 19. 19वें वचन. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own.
for you are bought with a price, so glorify God in your body. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम्हें तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो. Now you will notice here the word body is singular. और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शब्द देह या शरीर है उसका एक वचन में उसका प्रयोग हुआ है. What does that reveal? इसका क्या मतलब है? It reveals that each believer is a temple of the Spirit of God. और इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्तिगत विश्वासी पवित्र आत्मा का हर एक व्यक्तिगत विश्वासी का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. If you confess and claim to be a follower of Jesus Christ. और अगर आप इस बात का दावा करते हैं अंगीकार करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं. Your body becomes a temple of the Holy Spirit. तब आपकी देह आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है. And always remember therefore. और हमेशा इसी कारणवश आप याद रखिए. You are instructed here, exhorted here to glorify your God with your body. यहाँ पर आपको यहाँ ये निर्देश दिया गया है कि आप अपनी देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा देना सीखें. How do you do that? आप ये कैसे करते हैं? He who praises God glorifies God. और वो जो परमेश्वर की प्रशंसा करता है परमेश्वर को महिमा देता है. Consider your body as the temple of the Holy Spirit. अपनी देह को आप पवित्र आत्मा का मंदिर समझे. What happens in a temple? और एक मंदिर में क्या होता है? Worship. आराधना. Giving offering. और भेंट और दान दिया. Sacrifices. और बलिदान दिया जाता है. These are all expressions of worship. और ये सारी बातें आराधना को दर्शाती हैं. And that's what must go on in the temple. और ऐसी ही बातों का मंदिर में होना अनिवार्य है. And that's what must happen through our body. और ऐसा ही इसीलिए हमारी देह या हमारे शरीर से भी होना है. Use the faculties of the body in order to honor God in offering worship and thanks and praises. और इस शरीर के अंगों को आप प्रयोग करें जिसके द्वारा आप परमेश्वर का आराधना उसकी स्तुति उसकी प्रशंसा और महिमा करने पाए. And so here we find the Holy Spirit actually lives in the body of believers. और यहाँ पर हम इस बात को देखते और पाते हैं कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी की देह में या शरीर में वास करता है. The Gospel according to Saint John chapter 14. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय. Verse 17 says. और 17वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है. Even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, you know him. For he dwells within you and will be in you. अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है. तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा. Romans chapter 8 verse 9. और रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 9वां वचन. You however are not in the flesh but in the spirit. If in fact the Spirit of God dwells in you, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो. यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. That is a very strong statement. और ये वहाँ वचन में आगे लिखा है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं जो कि एक बहुत ही कठोर वचन है. So you make sure that you offer your body to the Lord that he may fill your body with his spirit. और इसलिए आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आप अपनी देह को पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित कर दे ताकि वो उसे अपने पवित्र आत्मा से भर दे. So what does all these things mean? और इन सारी बातों का अर्थ क्या है? The whole personality of Jesus Christ is living in you. कि प्रभु यीशु मसीह का पूरा व्यक्तित्व आपके भीतर जीता है. First of all, पहली बात, you have the nature of God. आपके Jesus. पास प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है. And then we find you have the mind of Jesus. और उसके Christ. बाद हमने देखा कि आपके पास प्रभु यीशु मसीह का मन है. And here we are told that we have within us
the Spirit of Christ. और यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है. So what is the nature, what is the mind, and what is the Spirit of Christ? It is the Spirit of holiness. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का मन, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा क्या है? वो तो है खुद प्रभु यीशु मसीह. Thus your body becomes an attractive place for the Lord Himself to dwell. और इस कारणवश आपका शरीर परमेश्वर के लिए एक ऐसा स्थान बन जाता है जिसमें परमेश्वर खुद वास करना चाहता है. Ephesians chapter 2 verse 22. इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 22वां वचन, जिसमें तुम भी आत्मा द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो. या इन हिम यू आल्सो आर बीइंग बिल्ट टुगेदर इनटू अ ड्वेलिंग प्लेस फॉर गॉड बाय द स्पिरिट. योर बॉडी इज अ ड्वेलिंग प्लेस. याद रखिए, आपकी देह, आपका शरीर एक निवास स्थान है. योर बॉडी, गॉड कंसीडर्स योर बॉडी टू बी हिज पैलेस where he could live. और परमेश्वर तो आपके शरीरों को एक राजमहल के रूप में जानता है जहां पर वो रह सकता है. And so we also notice, और यहां पर हम ये भी देखते हैं, the Holy Spirit is the gift of God. कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का तोहफा है. That we read in Acts chapter 2 verse 38. और जिसे हम प्रेरितों के कार्य दूसरा अध्याय 38वें वचन में पढ़ते हैं. You repent. तो मन फिराओ. And then and you shall receive the Holy Spirit, which is the gift of God. तब तुम्हें वो पवित्र आत्मा प्राप्त होगा जो परमेश्वर का तोहफा है. And the next thing we notice, जो अगली बात हम देखते हैं, God has the right to lay claim on our bodies. परमेश्वर के पास वो अधिकार है कि वो हमारे शरीरों के ऊपर अपना दावा करे. Because he bought us with his blood. क्योंकि उसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा. Read verse 20. पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 20वें वचन को आप पढ़ें. क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो. You don't belong to yourself. आप अपने है ही नहीं. You have been bought with a precious, wonderful price. आपको तो एक दाम देकर, एक बहुमूल्य दाम देकर, therefore offer your bodies to the living God. खरीदा गया है और इसलिए अपनी देह को, अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान के रूप में समर्पित कर दो. And thus glorify God. और उसके द्वारा, उसके आपके देह के द्वारा उसे महिमा मिल जाए. We are to honor God. हमें परमेश्वर का आदर करना है. My brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्राई कमिंग विद इन द हार्ट ऑफ Apostle Paul for all the believers. ये बुलाहट, ये भूख और ये चिल्लाना जो पॉल स्पिरिट के दिल में आ रहा है हर एक विश्वासी के लिए. Your body is a temple for God. आपका शरीर तो परमेश्वर का मंदिर है. The temple has no other purpose. और मंदिर का और कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं. There is no other reason for existing. और मंदिर किसी और दूसरे कारण के लिए कभी होता ही नहीं. Except to house the presence of the living God. सिवाय इसके कि वो मंदिर एक जीवित परमेश्वर का निवास स्थान बन जाए. Oh, my brothers and sisters. और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों. And my children. और मेरे बच्चों. This is my plea with you. और ये मेरी गुहार है, अनुरोध है आपसे. Take care of your body. अपने शरीरों का ख्याल रखें. Keep it clean and healthy. इसे शुद्ध और स्वस्थ बनाएं. But more importantly. लेकिन उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण. Always never forget what your body is. कभी भी बात को भूले ना कि आपका शरीर क्या है. It is a temple. ये तो एक मंदिर है. When we think and talk about temple, we are thinking it is a dwelling place for God. और जब हम मंदिर की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ये परमेश्वर का एक निवास स्थान है. And therefore, और इसलिए, consider God our Father. परमेश्वर को हमारे पिता के रूप में जानिए. Your body, remember, it is the house of for God's presence to dwell. और इसलिए याद रखिए कि आपके शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है. He created our body. उसने ही हमारे शरीरों को बनाया. One day he will resurrect them in glory.
और एक दिन वो इन देहों को, इन शरीरों को महिमा में पुनरुत्थान कर देगा। Think about this. और इस बारे में सोचिए। Oh hallelujah! Hallelujah! Our bodies have such a wonderful origin. और हमारी शरीरों का कितना अद्भुत व्यक्तित्व यह शुरुआत है। And an even more wonderful future. और कितना ही अद्भुत भविष्य हमारे लिए है। What is the origin of our body? हमारे शरीर की शुरुआत कहाँ से हुई? It is the handiwork of God. और हम तो परमेश्वर के हाथों के द्वारा बनाए गए हुई रचना है। All of the things God created by the power of His word. और हर एक दूसरी बात को तो परमेश्वर ने अपने वचन के सामर्थ्य से बनाया। By the word. और वचन के द्वारा ही। He brought it to existence as mighty, mighty oceans. उसने वचन के द्वारा ही बड़े-बड़े समुद्रों को बना डाला। And the high-high mountains. और ऊंची-ऊंची चोटियों और पहाड़ों को। And the hills and the valleys. और वो घाटियां और पहाड़। And all the creatures in the sea. और वो सारे जानवर और जीव जंतु जो समुद्रों में पाए जाते हैं। और वो सारे जानवर जो भूमि पर पाए जाते हैं। और वो हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़े और वो बड़े बड़े जानवर। Beautiful birds. और कितने सुंदर वो पक्षी। The creatures. और वो सारे जंतु। And look at higher, the stars and the sun and the moon. और जब हम और ऊपर देखते हैं तो तारे, चांद और सूर्य। So by the power of His word. अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा। He brought them all into existence. वो इन सारी बातों को उसने बनाया। But when he at last settled to create man. लेकिन जब अंत में वो मनुष्य को बनाने लगा। How did he do it? उसने कैसे किया? He put some labor into it. उसने परिश्रम किया। He took the mud from the earth. उसने पृथ्वी से मिट्टी को लिया। And formed the body of man. और एक मनुष्य के शरीर को तैयार किया। Hallelujah. Hallelujah. And he formed it beautifully. और बड़ी सुंदरता से उसे and बनाया। It was lying on the ground. और वो शरीर पर, वो शरीर जो मिट्टी का बना था, वो जमीन पर पड़ा था। But there was no life. और उसमें कोई जीवन नहीं था। Then he stooped down, our Almighty God. और हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तब झुका। And he breathed his breath into the nostrils of this form which belongs to man. और तब उसने, हमारे इस परमेश्वर ने उस मिट्टी से बने मानव के नाकों में, नथनों में अपने जीवन की श्वास को फूंका। Then the Bible says. वो वचन बताता है। Then he became a living soul. और उसके बाद से वो मानव एक जीवित आत्मा बन गया। He began to move and he stood up. और वो हिलने लगा, चलने लगा और खड़ा हो गया। A beautiful form, strong and healthy. और एक बहुत ही अद्भुत रचना जो कि बहुत शक्तिशाली और सुंदर। That is the origin of our body. और वही है हमारे शरीर की शुरुआत। And the woman was created more marvelously. और स्त्री को तो और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बनाया। For that God had to perform a surgery on Adam, the man. और उसके लिए परमेश्वर ने आदम के ऊपर एक सर्जरी को किया। And he cut his chest and removed a small bone from his rib bone. और उसके छाती को बगल से काटकर पसलियों का एक टुकड़ा वहां से ले लिया। And with that bone, और उस पसली के एक टुकड़े से he created a woman. उसने उस स्त्री की रचना कर डाली। See, man and woman are together the handiwork of our God, the Creator. और इसलिए याद रखिए कि ये पुरुष और स्त्री दोनों परमेश्वर के हाथ की रचना है। And so he created our body. और इसलिए उसी ने हमारे शरीरों को बनाया। And that is the wonderful origin of our body. और यही है हमारी देह या हमारे शरीरों की शुरुआत का। And there is even a more wonderful future. और एक बहुत ही अद्भुत भविष्य हमारी देह का इंतजार कर रहा है। Those who die in Jesus Christ. और वो जो प्रभु यीशु मसीह में सो जाएंगे। Believers in the Lord. वो जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी हैं। On the day of the rapture. और कलीसिया के उठाए जाने के दिन। And the Lord himself will descend with a trumpet sound. परमेश्वर खुद नीचे उतर आएगा एक ऊंची तुरही की आवाज जब फूंकी जाएगी। And the dead in Christ shall rise again. और वो जो मसीह में सोए हैं वो फिर से जी उठेंगे। So your bodies are
are going to be resurrected. और इसलिए ऐसे देहों को ऐसे शरीरों को फिर से पुनरुत्थान प्राप्त होगा. In view of this, और इन बातों को देखते और जानते हुए, can we use our bodies for any evil purpose? क्या हम अपने शरीरों को किसी बुरे कार्यों या उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं? No. नहीं. The Corinthians had two arguments to defend their sensuality. लेकिन कुरिन्थ के विश्वासियों के पास दो तर्क थे जिसके द्वारा वो अपने ऐसे पापों के प्रति बहस करते थे या तर्क वितर्क करते थे. Verse 12. बारवा वचन. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं. Yeah. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा. All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be enslaved by anything. Remember, this is their argument. और इसी तर्क को कुरिन्थ के विश्वासी पौलुस के सामने रखते हैं. All things are lawful to me. कि सारी वस्तुएं तो मेरे लिए उचित हैं. Now this was a popular phrase in Corinth. और कुरिन्थ के नगर में ये बहुत प्रसिद्ध कहावत थी. And it was based on a false view of Christian freedom. और ये कहावत या ये चलन मसीहत के एक गलत समझ के प्रति बनाया गया था. As Christians we are free. और वो कहते थे मसीह होते हुए हम तो आजाद हैं. Paul's answer to this argument is. और पॉल उस तर्क के प्रति उत्तर देता है. We have not been set free to a new form of bondage. और वो कहता है कि हम किसी दूसरे प्रकार के नए बंधन में बंधने के लिए नहीं बुलाए गए हैं. And as Christians. और एक मसीह होते हुए. We must ask ourselves. हमें खुद से ये पूछना है. Will this enslave me? क्या ये बात या ये वस्तु मुझे दास बना लेगी? Anything that I am about to do. कोई भी बात जो मैं करने जा रहा हूँ. Is it going to enslave me and make me a slave again? क्या ये मुझे फिर से दास बना लेगी? Meats for the belly and belly for the meat. और खाना पेट के लिए और पेट खाने के लिए. So Apostle Paul says, और पौलुस प्रेरित कहता है, we have not been set free to a new form of bondage. हमें एक नए प्रकार के बंधन के इसलिए आजाद नहीं किया गया कि हम अलग नए प्रकार के बंधन में बन जाएं. So ask yourself this question. और इसलिए खुद से इस सवाल को पूछिए. Is this activity, for example, going to a prostitute? और ये खुद से पूछिए कि क्या ये कार्य या उदाहरण के रूप में एक वैश्या के पास जाना. Is it profitable for my spiritual life? क्या ये ऐसा करना मेरे आत्मिक जीवन के लिए लाभवंत होगा? And that will answer your question. और ये आपके सवाल का उत्तर दे देगा. Christian does not mean you have been given a license to do anything. Everything is acceptable. और मसीह होने का या ईसाई होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक लाइसेंस मिल गया है कि आप सब बातें कर सकते हैं. You have just been free from the bondages of sin. और अभी परमेश्वर ने आपको पापों के बंधनों से आजाद कर दिया है. So don't go back to the same bondage. और इसलिए दोबारा उन बंधनों की ओर आप ना जाएं. In verse 13 you have the second argument. और 13वें वचन में आप दूसरे तर्क को जो कुरिन्थ के लोग रखते हैं उसे देखते हैं. Meats for the belly and the belly for meat. भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है. You know what that means? क्या आपको पता है इसका क्या मतलब है? Does it explain something to you? क्या ये बात आपको किसी बात को समझने में सहायता कर रहा है? The Corinthian believers treated sex as an appetite to be satisfied. कुरिन्थ के विश्वासी या कुरिन्थ नगर के लोग यौन संबंध को ऐसे क्रिया के रूप में लेते थे कि जो शरीर की एक भूख है और उसको पूरा करना अनिवार्य आवश्यक है. Just like your stomach feel hungry, you eat food. जैसे कि पेट में जब भूख होती है तो आप खाना खाते हैं. And they treated sex also the same way. और इसी रीति से यौन संबंध को उन्होंने लिया. Oh, my body is craving for for some sex. और उन्होंने कहा कि अरे मेरा शरीर तो कुछ यौन संबंध के लिए लालसा रखता है. And if you have no wife. और आपके पास पत्नी नहीं. So you go to any woman. और इसलिए आप किसी भी स्त्री के पास चले जाते हैं. Even if you have a wife. और अगर आपके पास पत्नी भी है. Suddenly you begin to feel this urge by wife is not here. So go
into prostitute. तो अचानक से आपके पास ये लोभ आता है, ये लालसा आती है, और इसलिए आप उस वैश्या के पास इसे पूरा करने के लिए जाते हैं. They treated sex as an appetite. और इसलिए कुरिन्थ के विश्वासी यौन संबंध को एक एक भूख के रूप में लेते थे जिसे पूरा करना आवश्यक है. Listen to this. इसे सुने. Why did the creator put this feeling of sex inside your body? कि क्यों इस रचयिता ने या सृजनहार ने हमारे देह हमारे शरीरों में इस यौन संबंध बनाने की भावनाओं को दिया? It's a gift of the creator to you. याद रखिए ये तो सृजनहार का एक तोहफा है आपके लिए. And this gift to be enjoyed with care. लेकिन इस तोहफे का आनंद आपको बड़ी सावधानी से लेना है. Just because God has put certain normal desires given by God at creation. और इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर ने हमें बनाते समय अगर कुछ स्वाभाविक इच्छाओं को आपके भीतर डाल दिया. Does not mean they have to be always satisfied by any means. इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय किसी भी रीति से इन इच्छाओं को पूरा करना अनिवार्य है. Remember Jesus in the wilderness before he started his ministry. और याद करिए यीशु मसीह को जब वो जंगल में था, जो उससे पहले कि जब वो अपनी सेवा को शुरू कर सके. He was tempted. उसकी परीक्षा ली गई. But he was fasting and praying for 40 days and 40 nights. लेकिन वो 40 दिन और 40 रातों तक प्रार्थना उपवास करता रहा. And the devil waited until that moment to come and tempt Jesus. और शैतान तब तक इंतजार करता रहा जब तक वो समय खत्म ना हो जाए. क्यों? Jesus physically was at the most vulnerable moment. क्योंकि यीशु शारीरिक रूप से उस 40 दिन और रात के बाद सबसे कमजोर वहां पर था. He was hungry. वो भूखा था. And so the devil came. और वो शैतान आता है. If you are the son of God, make these stones into bread and eat. अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे इस पत्थर को कि ये रोटी बन जाए और तू खा ले. Well, hunger is an instinct. It is a feeling. The creator put within us. और याद रखिए भूख लगना एक भावना है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर रखी. And to satisfy your hunger is not a sin. और भूख को पूरा करना या भूख के प्रति खाना खाना कोई पाप नहीं है. But remember what the creator, what I said. लेकिन याद रखिए मैं क्या बता रहा हूँ. We have all these instincts within us, but that does not mean we'll have to satisfy them by any means. और ये सारी भावनाएं हमारे अंदर तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी रीति और किसी भी समय इन भावनाओं को पूरा करना अनिवार्य है. So Jesus, did he use his divine power to turn the stone into bread and then eat? तो क्या यीशु ने अपने स्वर्गीय सामर्थ्य का प्रयोग करके उन पत्थरों को रोटी बनाकर खा लिया? No. नहीं. He refused to accept a bread which is not given by God the Father. और इसलिए उसने ठुकरा दिया ऐसी किसी भी रोटी को जो परमेश्वर पिता ने खुद उसे ना दी हो. The same way with sex. और इसीलिए यही बात हम यौन संबंध के बारे में. Sex is a gift. और यौन संबंध तो परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है. It is to be protected and it is to be enjoyed. उसे हम इसकी हमें रक्षा करनी है, इसमें आनंद लेना है. But sex outside marriage is destructive. लेकिन याद रखिए ऐसा कोई भी यौन संबंध जो शादी के बाहर होता है वो नाश की ओर ले जाएगा. But within marriage, लेकिन शादी के अंदर, it is creative and beautiful. वो जीवनों को बनाएगा और वो सुंदर है. So my brothers and sisters who are parents, also remember the young people we are listening, girls and boys. और इसलिए मेरे वे सारे लोग जो माता पिता हैं, खास रीति से जवान जो लड़के और लड़कियां हैं. Let me say this. ये मैं कहना चाहता हूं. Wait until your marriage and then begin to enjoy sex अपनी within शादी, the framework of अपनी शादी तक आप यौन संबंध बनाने का इंतजार करें, और जब आपकी शादी हो जाती है उस शादी के भीतर आप इस परमेश्वर के द्वारा दिए गए तोहफे का आनंद लें. You know, let me tell you both to the boys and girls. और इसलिए मैं लड़के और लड़कियों को बताना चाहता हूँ. On the day of your marriage, आपके शादी के दिन, what is the best gift you can give to your wife or to your husband? वो सबसे उत्तम तोहफा आप अपने पति या पत्नी को क्या दे सकते हैं? The best gift. सबसे उत्तम तोहफा.
It is your virginity. ये है आपका कुवारा ये पन या आपकी कुवारी पन. Remember that. इस बात को याद रखिए. So be dignified and decent and live according to God's will. You will enjoy whatever God has put within you. और इसलिए आदर सम्मान के संग जिए और परमेश्वर को अपने जीवनों से आदर दें. Hallelujah. Hallelujah. God is a good God. Consider God the Son. और परमेश्वर पुत्र को देखिए. Verses 15 to 18. 15वें वचन से 18वें वचन तक. That's what we read. उसी वचन को अभी हमने पढ़ा. Did we read it? Yes, we did. Believer's body is a member of Christ. विश्वासियों का देह या शरीर तो प्रभु यीशु मसीह का अंग है. And the question then asks is, और वो सवाल जो हम पूछते हैं, if that is the case, how can we be joined to Christ and joined to sin at the same time? तब हम सवाल जो हमें पूछना है वो ये है कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह से भी जुड़े रह सकते हैं और साथ ही साथ पाप से जुड़े रह सकते हैं. He bought us with a price. क्योंकि उसने तो एक दाम के साथ हमें चुना. Therefore our bodies belong to him. और इसलिए हमारे शरीर अब उसके हैं. He has the right to claim our bodies. और उसके पास ये अधिकार है कि वो हमारे देहों को अपना कहे या बुलाए. And then consider God the Holy Spirit. उसके बाद आप परमेश्वर पवित्र आत्मा को देखें. Jesus Christ paid the price. यीशु मसीह ने दाम चुकाया. Now God the Father created our bodies. और परमेश्वर पिता ने हमारे शरीर को बनाया. God the Son redeemed our bodies. और परमेश्वर पुत्र ने उस शरीर को छुटकारा दिया. God the Holy Spirit indwells our bodies. और परमेश्वर पवित्र आत्मा उस शरीरों के अंदर निवास करता है. Learn these three sentences, small sentences by heart. तीनों छोटे वाक्य को आप हृदय से याद कर लें. God the Father created my body. परमेश्वर पिता ने मेरे शरीर को बनाया. You may say after me. और आप हमारे पीछे इस बात को दोहरा सकते हैं. God the Father created my body. परमेश्वर पिता ने मेरी देह को बनाया. God the Son redeemed my body. परमेश्वर पुत्र ने मेरी देह को छुटकारा दिलाया. And God the Holy Spirit indwells my body. और परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे देह में निवास करता है. Jesus paid a price that no one, not even angels could pay that. और यीशु मसीह ने एक ऐसा दाम चुकाया कि जिसे कोई भी यहाँ तक स्वर्गदूत भी नहीं चुका सकते थे. God the Son redeemed us by the precious blood. God redeemed us. परमेश्वर paying this price. और परमेश्वर पुत्र ने अपने बहुमूल्य लहू को पवित्र लहू को बहाए जाने के द्वारा हमें छुड़ाया. Thus our bodies are the temples of the holy God. और इसलिए अब हमारे शरीर उस पवित्र परमेश्वर के मंदिर हैं. The triune God. वो त्रिएक परमेश्वर. How can we defile God's temple by using our bodies for immorality? और तब कैसे हम परमेश्वर के इस पवित्र मंदिर को अशुद्ध बनाएं अपनी शारीरिक या शारीरिक लालसाओं के अनुसार जीते हैं? You must answer. और इसलिए ये सवाल आपको खुद का उत्तर देना है. Answer. सिर्फ एक ही उत्तर है. We cannot do that. हम ऐसा नहीं कर सकते. We are now united to God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. अब हम परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता के संग एक हो गए. So what is the conclusion of the whole thing? और इसलिए इन सारी बातों का निष्कर्ष क्या है? The last words of this are, so glorify God in your body. इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो. The Holy Spirit was given for the purpose of glorifying God. और पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया ताकि हम परमेश्वर का महिमा कर सके. Hallelujah. Hallelujah. And glorify Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सके. The Spirit can use our bodies to glorify and magnify God. और पवित्र आत्मा हमारे शरीरों का प्रयोग कर सकता है कि वो परमेश्वर को महिमा दे और परमेश्वर को हमारे जीवन में ऊंचा ठहराए. So my friends. और इसलिए मेरे मित्रों. You can see here. आप इस बात को यहाँ देख सकते हैं. God the Father, परमेश्वर पिता. God the Son, परमेश्वर पुत्र. And God the Holy Spirit, परमेश्वर पवित्र आत्मा. They are all involved in what we do with our bodies. ये त्रिएक परमेश्वर इस बात से जुड़ा हुआ है कि हम अपनी देह या शरीरों के संग क्या करते हैं. Therefore, इसलिए glorify God, परमेश्वर को महिमा दे with our bodies, अपने शरीरों के द्वारा. Learn this once again. और इस बात को एक बार फिर से सीख लें.
God the Father created our body. परमेश्वर पिता ने हमारे शरीरों को बनाया. God the Son redeemed our body. परमेश्वर पुत्र ने हमारी देह को छुटकारा दिया. God the Holy Spirit indwells our body. और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में, हमारी देह में वास करता है. Therefore, और इसलिए, glorify God with our bodies. हम अपनी देहों, अपने शरीरों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें. Don't ignore this teaching. और इस शिक्षा के प्रति आप विरोध ना करें, इसे value the teaching. इसका मूल्य आप आंकें. In Jesus' name, यीशु के नाम में, Holy Spirit of God, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, we thank you for your grace. हम धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए. We thank you for your marvelous work. हम धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत कार्य के लिए. Oh Jesus, and a greater marvelous work of redemption. और एक और महान छुटकारे का कार्य. And an amazing marvelous future. और एक अद्भुत भविष्य जो हमारा इंतजार कर रहा है. Even the resurrection of our bodies. और यहां तक हमारे शरीरों का पुनरुत्थान. To live with Jesus Christ, the Son of God, and in our Father's kingdom forever and ever. ताकि हम परमेश्वर के उस राज्य में हमेशा के लिए उसके संग जिए और राज्य करें. So may we prepare ourselves. अब हम खुद को ऐसे तैयार करें. By preparing our body and our spirit, our whole being, to be fit for eternity with you. अपने संपूर्ण हृदय, अपने संपूर्ण शरीर, अपने संपूर्ण आत्मा को तैयार करके, ताकि हम अनंत के लिए तैयार हो जाएं. We give you all the glory and honor. Bless your people. हम सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं. अपने लोगों पर आप आशीष दें. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Live for him. उसके लिए आप जिए. Rejoice in God. और परमेश्वर में आनंद मनाएं. The purpose of God's creation of man. और यही उद्देश्य है परमेश्वर का मनुष्य को रचने के पीछे. Amen. Amen.